म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश की जब भी बात आती है तो अक्सर दो चीजें सबसे ज्यादा सुनने को मिलती हैं, इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड को छोटी अवधि में भी हर तरह की जरूरत के लिए डेट फंड्स मौजूद हैं। तो आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे डेट म्यूचुअल फंड की हर बारीकी और बताएंगे ज्यादा मुनाफा कमाने के गुर। डेट फंड से मुनाफे की चाबी बताने के लिए हमारे साथ हैं आज ऑप्टिमा मनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। तो पंकज जी से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले शो की क्या हाइलाइट्स हैं उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं, आज हम शो में बात करेंगे क्या होते हैं डेट फंड्स, जानेंगे हर बारीकी, साथ ही किन लक्ष्यों के लिए करें डेट फंड में निवेश, क्या बैंक एफडी से बेहतर है डेट फंड में निवेश करना, और आसान भाषा में समझेंगे क्या होते हैं जीरो कूपन कोड। तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में अब हम जानेंगे आज डेट फंड का पूरा फंडा। और पंकज जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे डेट फंड की जब भी बात आती है हम ये दर्शकों से सुनते हैं, हमारे जितने भी निवेशक जो हमें सवाल भेजते हैं, कहते हैं कि हमें कोई अच्छा डेट फंड बताइए जिसमें कम जोखिम में अच्छा रिटर्न उन्हें मिल पाए। तो सबसे पहले डेट फंड को अगर आसान भाषा में एक्सप्लेन करना हो तो क्या है? देखिए, डेट का मीनिंग है कर्ज। अब जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को शेयर्स या सिक्योरिटी में लगाती है। शेयर मतलब कि जो कंपनी है वो शेयर ले रही है किसी कंपनी के, और मतलब प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदारी खरीद रही है। और जब डेट ले रही है तो मतलब वो फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इस तरह के प्रोडक्ट में निवेश कर रही है। बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब कि पैसा उधार दे रही है कंपनी को और वहाँ से पैसा वापस आएगा ब्याज के साथ में, वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है मतलब वहाँ पर आपका एक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो कि मतलब आपने किसी दूसरे व्यक्ति को, कंपनी को कर्ज दिया हुआ है और जहाँ पर आपको ब्याज के रूप में इनकम होगी, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट भी उसको बोल सकते हैं, तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डेट सिक्योरिटीज़ हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जिसका निवेश आगे डेट सिक्योरिटी में हो रहा है वो डेट फंड होते हैं। ओके, तो डेट फंड क्या होते हैं ये हमने आपसे समझ लिया। पंकज जी, कितने तरह के डेट फंड होते हैं ये मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ, क्योंकि अलग अलग तरीके के डेट फंड्स जिनकी कैटेगरीज सेबी ने डिसाइड की है और जो कि अलग अलग डेट फंड्स की कैटेगरी पोर्टफोलियो में भी शामिल होते हैं, ये बताएं। देखिए, सेबी की जो कैटेगरी बनाई है सेबी ने, उसके हिसाब से 16 कैटेगरी में डिवाइड किया है डेट फंड्स को। ओवरनाइट फंड से लेकर फ्लोटर रेट फंड्स तक डेट कैटेगरी में होते हैं। अगर मेनली बात करूं तो ये निर्भर करता है कि एक तो किस तरह की क्वालिटी के पेपर हैं, किस तरह के बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर्स हैं, उनकी अवधि कैसी है, जो बॉन्ड्स में निवेश किया है वो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी कितनी दिनों की है, उस बात पर भी निर्भर करता है। जैसे ओवरनाइट फंड्स हैं तो वहाँ पर जो पैसा, जो म्यूचुअल फंड जिस तरह की सिक्योरिटी में पैसा लगाएगा वो सिक्योरिटीज़ कि मैच्योरिटी बहुत ही छोटी है, ओवरनाइट मैच्योरिटी है। और अगर यहाँ पर हम बात करें डायनेमिक बॉन्ड फंड्स की तो वहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइम की मैच्योरिटी होगी उनकी। ये हम शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, लिक्विड फंड्स या क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड की बात करूँ तो मतलब यहाँ पर इस तरह के बॉन्ड्स या डिबेंचर होंगे जिनकी क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। अब बहुत अच्छी रेटिंग नहीं होगी तो यहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा, रिटर्न ज़्यादा होंगे, इस तरह के आपके क्रेडिट रिस्क फंड हो सकते हैं। या फ्लोटिंग रेट फंड होंगे जहाँ पर जो अंडरलाइंग असेट्स हैं, जो सिक्योरिटी है वो, उसके जो रिटर्न्स हैं वो फ्लोटिंग रेट्स होंगे, फिक्स नहीं होंगे। तो इस तरह से जिस तरह के पेपर हैं आपके अंडरलाइंग असेट, जो मतलब म्यूचुअल फंड ने जो निवेश किया है वो डेट सिक्योरिटी में आपके कॉमर्शियल पेपर हो सकते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर पूरा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया हुआ है तो इस फंड को हम गिल्ट फंड बोलते हैं, जीसेक फंड या गिल्ट फंड बोलते हैं, जिसका निवेश पूरी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया हुआ है। तो इस तरह से किस तरह के पेपर आपके म्यूचुअल फंड ने लिए हुए हैं, किस तरह का निवेश किया है, उस पर आपकी कैटेगरी डिपेंड करती है और उसी के आधार पर आपका रिस्क और रिटर्न निर्भर करेगा। तो डेट फंड्स की जो 16 कैटेगरीज हैं उसमें जो कुछ
फंड्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लिक्विड फंड, ड्यूरेशन फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड और गिल्ट फंड शामिल हैं। कई दर्शक हमसे ये पूछते हैं पंकज जी कि डेट फंड का जो पोर्शन है किसी के पोर्टफोलियो में वो कैसा होना चाहिए। डेफिनेटली ये तो हर किसी के निवेश नीति पर, वो कब कितना निवेश कर रहे हैं, कितने समय तक निवेश कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, पर एक जो बेसिक थंब रूल है वो क्या कहता है। देखिए, अगर बेसिक थंब रूल की बात करें तो हम लोग जो आपकी एज माइनस 100 माइनस अगर एज करें तो उतना आपका इक्विटी और बाकी का आपका डेट कंपोनेंट ऐसा कहा जाता है। बट मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ूंगा कि ये निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। आप मान लीजिए कोई एज में ज़्यादा भी है और लेकिन उसको ये पता है कि ये एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास में इसकी ज़रूरत नहीं लगने वाली है और शायद रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी निवेश कर सकते हैं। बट हम इसके लिए बोलते हैं कि जब यंग हो उस वक्त ज़्यादा निवेश आपको इक्विटी में करना चाहिए, क्योंकि अगर लॉस भी हुआ तो रिकवर करने का टाइम ज़्यादा होता है। बट जब आप रिटायरमेंट के आसपास होते हो, रिटायर हो चुके होते हो, तो आपके पास में फिर लॉस को रिकवर करने का टाइम नहीं होता है, तो बोला जाता है कि ज़्यादा निवेश आप डेट में कीजिए क्योंकि डेट में उतार चढ़ाव कम होता है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि 100 माइनस एज जो है वो आपके इक्विटी के लिए और बाकी जो पोर्शन बचा वो डेट के लिए है। लेकिन अगेन आप ये सोचिए कि आपका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आपके पास निवेश के लिए समय कितना है और ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे 3 साल के बाद मेरे बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना ही है और 3 साल के बाद ही मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद यहाँ पर आप रिस्क कम ले सकते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि 3 साल के बाद आप घूमने जाने वाले हैं तो शायद आप रिस्क ज़्यादा ले पाएंगे। तो ये भी बहुत बातें होती हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, और टाइम होराइजन तो डेफिनेटली डिपेंड करता ही है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड करें। लेकिन अपने पोर्टफोलियो में किसी भी वक्त डेट और इक्विटी दोनों को जरूर शामिल करें। ओके, डेट और इक्विटी दोनों का तालमेल किसी के भी पोर्टफोलियो में होना बेहद जरूरी होता है। हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त पंकज जी, उनसे बात करते हैं, अविनाश। अविनाश जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए क्या सवाल जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका और हमारे एक्सपर्ट से क्या जानना चाहते हैं। मैम, मैंने ईमेल में तो भेज दिया था। बिल्कुल, कुछ और डिटेल्स बताएंगे सर, कब से निवेश की शुरुआत की है आपने? निवेश तो मेरा 10 साल से ज्यादा हो गया है। और फिर कुछ म्यूचुअल फंड जो मैंने बताया है, मुझे वही पूछना था कि कैसे आपका ये निवेश चल रहा है, कोई पर्टिकुलर गोल जिसके तहत आप ये निवेश कर रहे हैं? गोल वगैरह नहीं, बस रिटायरमेंट पर्पस के लिए मैंने किया था, लॉन्ग टर्म के लिए, कि आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे मुझे अभी 10 साल है तो उसके बाद उसमें कुछ लमसम अमाउंट मिल जाए, उसी तरफ से मेरा चल रहा था। ठीक है, अविनाश जी का रिटायरमेंट पर्पस है, कह रहे हैं कि 10 साल इनका रिटायरमेंट को बाकी है अभी, और 3 फंड्स हैं इनके, जैसा कि पंकज जी आप भी देख पा रहे टेलीविजन सेट पर, अपने पोर्टफोलियो पर ये राय चाह रहे हैं, कैसे फंड्स लग रहे हैं आपको इनके? देखिए, 2 तो टैक्स सेविंग फंड्स हैं और परफॉर्मेंस भी इनका ठीक ही है, लेकिन DSP टैक्स सेवर अच्छा है, और दूसरा जो निपोन ग्रोथ फंड है वो एक मिड कैप फंड है, वो भी अच्छा है। लेकिन SBI मैग्नम टैक्स गेन के बारे में जरूर बोलूंगा कि आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम से खराब चल रहा है और आगे भी इनके पोर्टफोलियो को देखते हुए बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है। इसकी जगह पर वैसे भी टैक्स सेविंग के हिसाब से तो आपने इन्वेस्ट कर ही लिया है, आपको इससे निकल जाना चाहिए और उसकी जगह पर कोई अच्छा मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। ICICI प्रोडेंशियल मल्टी कैप फंड या फिर कैनरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड को आप शामिल कर सकते हैं, और साथ ही क्योंकि अब 10 साल का ही समय बचा हुआ है तो अगले 5 साल तो आप इक्विटी में बने रहिए, लेकिन जब आप नज़दीक आ जाएंगे अपने रिटायरमेंट के तो थोड़ा सा इक्विटी से हटकर आप डेट में ज़्यादा एक्सपोजर लीजिए ताकि पोर्टफोलियो थोड़ा आपका स्टेबल रहेगा। ओके अविनाश जी, होपफुली आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है, और जो कुछ बदलाव करने को कहे हैं पंकज जी ने उन पर गौर जरूर कीजिएगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवाल भी हम लेते रहेंगे अपने शो के दौरान, लेकिन पंकज जी कूपन रेट के बारे में मैं जानना चाहती हूँ आपसे। कूपन रेट को अगर हम समझें तो वो क्या है और ये किसी के पोर्टफोलियो में कैसे समझ में आ सकता है? देखिए, कूपन मतलब एक तरह से इंटरेस्ट है, जब बॉन्ड की भाषा में, बॉन्ड्स या डिबेंचर,
आपके जो बॉन्ड्स होते हैं या डिबेंचर होते हैं उसके ऊपर आपको कूपन मिलता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं बोलूं कि इस पे 9% का कूपन है तो मतलब सालाना 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये समझ लीजिए। तो कूपन बहुत सिंपल है समझना, कोई भी बॉन्ड या डिबेंचर की भाषा में उसको बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सालाना, वो उसका आपका कूपन है। अब वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि ये कूपन हाफ ईयरली पेबल है, एनुअल पेबल है, लेकिन कितने परसेंट का कूपन है इसका मतलब उस बॉन्ड के ऊपर कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो ये तो बात हो रही है कि हमने कूपन रेट की बात की है। ओके सर, यहाँ पर हम आपसे अब आसान भाषा में एक टर्मिनोलॉजी जानना चाहेंगे जो कि हम अपने शो में शामिल करते हैं और ये दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार वो कैसे समझ सकते हैं किसी टर्मिनोलॉजी को जो कि जार्गन्स यूजुअली लोगों को लगते हैं, और वो है जीरो कूपन बॉन्ड। तो आसान भाषा में जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहेंगे? देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कि आपको बॉन्ड के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि अगर जीरो कूपन है कोई निवेश क्यों करेगा अगर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है? तो ऐसे जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं वो बेसिकली डिस्काउंटेड बॉन्ड होते हैं या डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। मतलब उनका जो परचेज प्राइस है और जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि मैच्योरिटी के वक्त आपको उससे कितना पैसा मिलेगा, वो फेस वैल्यू है, और जो इशू प्राइस है वो आपका परचेज प्राइस है। तो मान लीजिए आपको एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है और 10 साल का ये बॉन्ड है, इसका मतलब 10 साल के बाद में आपको उस बॉन्ड पर 1000 रुपये का भुगतान होगा। और जो इसका इशू प्राइस है जब ये कंपनी लेके आई है वो बोलती है कि हम आपको 400 रुपये में बॉन्ड देंगे। तो इसका परचेज प्राइस, ये इशू प्राइस हो गया 400 रुपीज़ और आपको 10 साल के बाद में वो दे रहे हैं 1000 रुपये। तो इनडायरेक्टली आप बोले तो आपको प्रॉफिट तो हो ही रहा है। अगर कोई 400 रुपये बढ़कर 10 साल में 1000 बन जा रहे हैं तो इसका मतलब लगभग 9.6% एनुअल ग्रोथ आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बोला कि हम आपको 9.6% का कूपन देंगे या 9.6% इंटरेस्ट देंगे। इन्होंने सीधा बोल दिया कि ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, 400 में आपको मिलेगा और मैच्योरिटी पे इसकी फेस वैल्यू जो है वो 1000 रुपये है। तो ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर कूपन डिक्लेयर नहीं होता है, इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं होता है, बल्कि उसका प्राइस डिफरेंट होता है, मतलब आपका जो मैच्योरिटी प्राइस है वो अलग है और परचेज प्राइस जो है वो कम है, ऐसे बॉन्ड को हम जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। तो आज हम जान रहे हैं डेट फंड्स के बारे में। हमारे साथ हैं आज पंकज मटपाल, ऑप्टिमा मनी के MD। तो पंकज जी, हम डेट फंड से जुड़े हुए अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी हैं वो आपसे आज समझ रहे हैं और उसकी बारीकी आप हमें बता रहे हैं। हम अब आपसे जानना चाहेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी के बारे में, ये क्या है? देखिए, आप जब बॉन्ड खरीदते हैं तो उसकी मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी मतलब अगर मैं बोलूँ कि 10 ईयर का बॉन्ड है, मतलब 10 ईयर के बाद में आपका पैसा मिल जाएगा। तो अगर आप जो बॉन्ड बाई कर रहे हैं अगर 10 ईयर पूरे मैच्योरिटी तक रखते हैं उसको अपने पास, तो आपको कितना उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा वो यील्ड टू मैच्योरिटी है। और अगर आप बीच में बेच देते हैं उसको तो फिर आपका रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब बॉन्ड ट्रेड होता है तो मार्केट में उसका प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है, उसकी फेस वैल्यू से कम या ज़्यादा पर बिक सकता है। बट अगर आप मैच्योरिटी तक उसको रखते हैं तो जो उसकी फेस वैल्यू है पूरी आपको मिलेगी, इसका मतलब आपका जो रिटर्न उस वक्त तक मिलेगा वो आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी होती है। ओके, इस दौरान एक सवाल लेते हैं हमारे पास ईमेल पर, जो सवाल हमारे पास आया है अखिल जी का। अखिल कह रहे हैं कि इनकी उम्र 31 साल है और म्यूचुअल फंड में 4500 रुपए की इनकी SIP है, 1000 रुपए के टॉप अप SIP भी ये कर रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में 12500 रुपए हर महीने ये निवेश भी करते हैं, रिटायरमेंट के लिए निवेश ये कर रहे हैं, अभी 30 साल के लिए ये निवेश आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब टिल इनका रिटायरमेंट। एक पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट किया है जिसमें कुछ फंड्स हैं, वो हम अभी दिखाएंगे। तो कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है इनका आपको? देखिए, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड अच्छा मल्टी कैप फंड है, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी भी अच्छा फंड है। इनके पास में एक थोड़ा सा मेरी सलाह है कि एक अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो उसमें अच्छा मिड कैप फंड, अच्छा स्मॉल कैप फंड को जरूर इंक्लूड करें। SBI मैग्नम मिड कैप फंड जो उनके पोर्टफोलियो में है वहाँ से निकल जाएं, उसकी जगह पर एक्सिस मिड कैप फंड या फिर DSP मिड कैप फंड इसको शामिल करें, ये मेरी सलाह होगी इनके लिए। ओके, एक और सवाल लेते हैं हमारे पास, जो सवाल धर्मेंद्र सैनी का आया है। इनकी उम्र 43 साल है और म्यूचुअल फंड में 20000 रुपए का ये निवेश करना चाहते हैं, अगले 10 साल के लिए निवेश अगर ये जारी रखें तो उसके लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स आप इन्हें सुझाएंगे?
ये टाइम अच्छा लंबा समय है इनके पास में, उसको देखते हुए मैं सलाह दूंगा कि ज़्यादा निवेश इक्विटी में ही होना चाहिए। यहाँ पर एक बैलेंस एडवांटेज फंड आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा एक लार्ज कैप फंड, अगेन आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड एक अच्छा लार्ज कैप फंड है। मिड कैप में डीएसपी मिड कैप या फिर एक्सिस मिड कैप किसी को भी शामिल करें। और साथ में एक मल्टी कैप फंड, वहाँ पर मैं सलाह दूंगा कि कैनरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड ये एक अच्छा मल्टी कैप फंड है। तो इस तरह का एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और 5,000 रुपये चार स्कीम में निवेश कर दें। ओके, धर्मेंद्र जी के लिए सलाह पंकज जी ने दी है और कैसे वो अपने इस पोर्टफोलियो को में बदलाव करके अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं ये उन्होंने बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी पंकज जी क्रेडिट रेटिंग के बारे में, क्रेडिट रेटिंग कैसे डिसाइड होती है और अलग अलग क्रेडिट रेटिंग्स का मतलब क्या होता है? देखिए, कंपनी आपका जो आपने मैंने इसे बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप कोई भी डेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मतलब आप सामने वाले को कर्ज दे रहे हो, तो जो कर्ज दिया गया है वो कर्ज समय पर वापस आएगा कि नहीं आएगा, कितना रिस्क है उसके अंदर, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट प्रॉमिस किया गया है वो जो ऑब्लिगेशन है उसको कंपनी पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है उसके बेस पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं उस इन्वेस्टमेंट को एक क्रेडिट रेटिंग देती हैं। तो क्रिसिल है या केयर है तो वो डिसाइड करते हैं कि कैसा आपका ये जो डेट है वो कैसा है। तो अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है इसका मतलब समय पे पैसा भी मिल जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट प्रॉमिस किया गया है वो भी समय पे मिलेगा, और अगर उसमें क्रेडिट रेटिंग ख़राब है तो रिस्क ज़्यादा है। लेकिन कंपनी जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, उनकी डेफिनेटली ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, वो आपको कूपन ज़्यादा देती हैं, वो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करती हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप ट्रिपल ए रेटेड या डबल ए प्लस रेटेड ऐसे इन्वेस्ट ऐसे बॉन्ड्स या डिबेंचर जिनके पोर्टफोलियो में है उन म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिए ताकि आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहे। तो रेटिंग का मतलब यही है कि अगर आपकी डबल ए प्लस ट्रिपल ए ऐसी रेटिंग है तो निवेश ज़्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा डेट फंड्स में फेस वैल्यू और परचेज प्राइस क्या होता है पंकज जी? देखिए, जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू आपको मैच्योरिटी के टाइम पर कितना पैसा मिलेगा वो है। अब परचेज प्राइस कई बार सेम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 1,000 रुपये का इशू प्राइस है उस पर आप परचेज कर रहे हैं और 1,000 रुपये ही फेस वैल्यू है, तो मैच्योरिटी के टाइम पर भी 1,000 ही वापस मिलेगा, लेकिन उस बीच में वो जो 5 साल का या 10 साल का जो भी वॉट एवर टाइम होराइजन जो भी होगा उस टाइम के बीच में आपको कूपन मिलेगा। तो फेस वैल्यू परचेज वैल्यू इशू प्राइस सेम है लेकिन बीच में आपको कूपन मिलता रहेगा, वो आपका प्रॉफिट है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपका जो इशू प्राइस है वो कम है लेकिन फेस वैल्यू ज़्यादा है। आपका जैसा हमने पहले जिक्र किया था 400 रुपये की मान लीजिए आपका इशू प्राइस है और 1,000 रुपये का आपका फेस वैल्यू है, मतलब मैच्योरिटी के टाइम पर आपको 1,000 रुपये मिलेंगे उस बॉन्ड के ऊपर, लेकिन बीच में फिर आपको कूपन नहीं मिलेगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो फेस वैल्यू है मैच्योरिटी प्राइस है, इशू प्राइस जो है वो परचेज प्राइस है। कई बार ये सेम भी हो सकता है, अगर सेम है तो हम इसको एट पार बोलते हैं कि आपका जो फेस वैल्यू है एट पार विद परचेज प्राइस है, और अगर डिफरेंट है, कम है परचेज प्राइस और जो मैच्योरिटी प्राइस है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो डिस्काउंटेड प्राइस है, वो डिस्काउंट डीप डिस्काउंट बॉन्ड है। एक और टर्मिनोलॉजी मैं आपसे जानना चाहूंगी डेट फंड से जुड़ी हुई, आप बहुत ही आसान भाषा में हर एक टर्म को समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को आज, वो है बॉन्ड एट पार और डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसको अगर हम बहुत ही सरल भाषा में अपने दर्शकों को बताएं तो वो क्या है? देखिए, जैसा मैंने अभी समझा रहा था कि अगर आपने बॉन्ड एक पहली बार कंपनी लेके आई है और उसका प्राइस रखा है 400 रुपये और उसका फेस वैल्यू 1,000 रुपये है, इसका मतलब आज मैं 400 में खरीद रहा हूँ और मैच्योरिटी के वक्त, मान लीजिए 10 साल की मैच्योरिटी है, उस वक्त मुझे उस पर 1,000 रुपये मिलेगा। तो ये हो गया मेरा सिंपल डीप डिस्काउंट बॉन्ड, क्योंकि फेस वैल्यू से काफ़ी कम कीमत पर मैं उसको आज ले पा रहा हूँ। और दूसरा है एट पार, जहाँ पर मैंने 1,000 रुपये का आज एक बॉन्ड खरीदा है और मैच्योरिटी के वक्त भी मुझे 1,000 रुपये ही मिलेंगे, तो ये मेरा एट पार हो गया कि मेरा परचेज प्राइस भी सेम है लेकिन मेरा जब मैच्योरिटी होगी उस वक्त मुझे सेम प्राइस मिलेगा। लेकिन हाँ, जब आपका एट पार बॉन्ड होगा उसमें ध्यान रहे आपको कूपन मिलेगा, आपको इंटरेस्ट बीच बीच में मिलता रहेगा, वो आपका प्रॉफिट है। और डीप डिस्काउंट बॉन्ड के जब आप लेते हैं तो वहाँ पर परचेज प्राइस और मैच्योरिटी के टाइम पर जो प्राइस होगा उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका मुनाफा है।
और डेट फंड में कॉल और पुट क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ध्यान रहे, हम जब इक्विटी मार्केट में डेरिवेटिव में लोग ट्रेड करते हैं, वहां पर जो कुल जो पुट एंड कॉल होता है वो टोटली डिफरेंट है। जब हम बॉन्ड की बात करते हैं, डिबेंचर की बात करते हैं, यहां पर कॉल और पुट थोड़ा डिफरेंट है। कॉल का मतलब होता है कि जो इश्यूअर है, जो कंपनी है जिसने बॉन्ड निकाला है, उनको ये अधिकार है कि वो बीच में पैसा वापस देकर अपना इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, बॉन्ड को टर्मिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक बॉन्ड है जिसकी मैच्योरिटी 5 साल है और उसमें कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब आपका पेमेंट 5 साल के बाद ही होगा। लेकिन अगर उसमें मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि 3 साल में इसमें कॉल ऑप्शन है, तो हो सकता है कि 3 साल के बाद जब वो टाइम होगा कंपनी आपका पैसा वापस कर दे और इस बॉन्ड को कॉल कर ले। तो आप सोच के बैठे थे कि 5 साल का बॉन्ड है लेकिन 3 साल में ही कंपनी उसको टर्मिनेट कर सकती है। लेकिन अगर उसमें पुट ऑप्शन है, मान लीजिए 5 साल का बॉन्ड है और 3 साल के बाद उसमें पुट ऑप्शन है, तो आपको ये अधिकार है, हालांकि वो 5 साल का बॉन्ड है और लेकिन 3 साल में अगर आप चाहें उस वक्त तो कंपनी को वापस कर दें उसको और अपना पैसा कंपनी से वापस ले लें। तो कॉल का मतलब है कंपनी को अधिकार है कि वो टर्मिनेट करके आपका पैसा वापस कर दे, और पुट का मतलब है कि आप सरेंडर कर दें और कंपनी से अपना पैसा वापस ले लें। और कई बार एक बॉन्ड के अंदर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कॉल भी हो सकता है पुट भी हो सकता है, और कई बार कंपनी सिर्फ आपको पुट का ऑप्शन दे सकती है, कॉल का ना दे, या सिर्फ कॉल का ऑप्शन रखे पुट ना रखे। तो ध्यान रहे बीच में कॉल ऑप्शन होना आपके लिए रिस्की है थोड़ा सा, कंपनी बीच में ही टर्मिनेट कर सकती है, और पुट ऑप्शन होना आपके लिए अच्छा है, आपको पैसे की जरूरत हो तो कंपनी को आप वापस बीच में दे सकते हो। पंकज जी, अब डेट फंड से जुड़ी हुई आपने हर बारीकी बहुत बढ़िया ढंग से हमें समझाई है, दर्शकों के लिए आपने सामने रखी है ये तमाम जानकारी। शो खत्म करने से पहले मैं आपसे आज शो का टिप जानना चाहूंगी, वो क्या देंगे आप दर्शकों को? स्वाति, मैं बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा कि लोगों को कभी भी उधार लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पर्सनल लोन ले लिया और उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कई बार प्लॉट ले लिया। तो मेरी सलाह है आप जब भी निवेश करें आपका खुद का पैसा हो, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट गारंटीड पे करना होता है, प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो कभी भी उधार लेकर निवेश ना करें। तो टिप ऑफ द डे, उधार लेकर निवेश कभी न करें, ये आज का गोल्डन टिप है जो कि दिया पंकज मठपाल ने। पंकज जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के इस शो में शामिल होने के लिए।